नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो तमे, मजा मने। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? और मैं जो पेपर पैटर्न दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? करोगे तो आपका ही फायदा होगा। अगर कोई पहली बार मेरा आज चैनल देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी जो अगले क्वेश्चन पेपर्स के मैं मॉडल डालने वाली हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देती हूँ, तो डोंट मिस। और पहले के भी जो मेरे वीडियोस हैं वो भी आप लोग जरूर देखिए, जिसमें मैंने लेसन्स एक्सप्लेन किए हैं, ऐसे राइटिंग एक्सप्लेन किया है, कहानी लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, बेसिक हिंदी मराठी के बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, और लेसन्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, पोएट्रीज भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप देखिए और ज़रूर लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी भेजिए, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो मेरे अगले वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चाहिए ना आप लोग को सबसे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस? तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है, दोगे ना मुझे एक थैंक्स? लाइक कीजिए आप लोग, लाइक बहुत कम हो गया आप लोग के, खाली डिमांड बढ़ते जा रहे हैं आप लोग के, लाइक्स कम कर रहे हो आप लोग, ऐसे मत करो भाई मेरे साथ। ओके, तो चलो फिर, शालिनी हुबलीकर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम का इंग्लिश पेपर। टाइम होगा आपका 1 घंटे का, और इसके लिए मार्क्स होंगे 20, और ये है स्टैंडर्ड 8 के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेपर्स का। ओके, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे पेपर्स मिले और मैं आप लोग को अपलोड करूँ वीडियोस उनके, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के पेपर पैटर्न्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आप लोग को लिखने हैं, जो कि है 5 मार्क्स का, ठीक है? तो ये यानी ग्रामर ही है आप लोग को, तो जो हिसाब से आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, व्हाटएवर, तो उस तरह से आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा। ओके, और इसमें इन लोगों ने आप लोगों को टोटल 7 सवाल दिए हैं, उसमें के कोई भी 5 ही जवाब आप लोग को लिखने हैं, और इससे ज़्यादा क्या करें भाई आप लोग के लिए, इतना तो आसान है। सेक्शन 2, सीन प्रोज पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। ये पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें के जो सवाल पूछे हैं वो हिसाब से आप लोगों को जवाब लिखने हैं, जो कि है पूरा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप लोग के हो गए पूरे 10 मार्क्स। ओके, पीछे देखते हैं क्या सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 3, जो न्यू पेज पे आप लोग स्टार्ट करोगे, सीन पोएम पैसेज, यहाँ पर पोएम दिया गया है उसको रीड करना है, और पोएम के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब आपको यहाँ पर देने हैं, तो वो है 5 मार्क्स का। और सेक्शन 5, राइटिंग स्किल, राइट अ स्पीच ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई की क्या मायने रखता है, देखो 5 मार्क का है ये। या फिर राइट रिलेटेड टू योर क्लास टीचर, अपोलोगाइजिंग द योर सॉरी अपोलोगाइजिंग फॉर योर मिस बिहेवियर इन द क्लास, जो कि आप लोग हमेशा करते हो, है ना? आप लोगों से ना रोज एक लेटर लिखवा ही लेना चाहिए, तो वो हिसाब से आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? ओके, तो टीचर को अगर आप एक लेटर लिख रहे हो, तो ये कौन सा लेटर हो गया, फॉर्मल हुआ क्या इनफॉर्मल?
फॉर्मल लेटर है तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली लिखना है आप लोग को ये लेटर। और लेटर राइटिंग के बारे में भी, फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस तो ज़रूर देखिए, ठीक है। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे चैनल रेगुलर देखते हैं उन लोगों के मार्क्स उन लोग को पिछले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मिले हैं, इसकी मैं आपको फुल गारंटी देती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस बराबर फॉलो करोगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस जो बताए हुए हैं उन्हें आप लोग फॉलो करोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फटाफट अभी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए मेरे वीडियोस, और आप लोग को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।